बारात लेकर के हेमांचल नगरिया में जब पहुंचे हैं श्रोता बंधुओं, और जैसे ही जनवास में बारात पहुंची है, जो शुक्र शनिचर गए रहे ना, वो सबसे पहले भगवान भोले बाबा के पास में पहुंच गए और जवाब दियो, अरे भगवान भोले बाबा का कह रहे हेलो, का कह रहे तुम जी को ले आए हो? सुनो, का कह रहे? भूख लगी, भूख का ऐसी लगी है, अट्टा टूट भूख लगी है। अब बताओ ना, तुम ढील देव ना हमको पोजिंगरा खाई लेता है। बताओ, बराते बुलाओ, भूख के मैं मरे जा रहे, जो पत्ता खा के गुजर कर रहे। नाई ठाकुर को बुलाओ, नाई ठाकुर। देखो हमारी बारात में ये दोनों बच्चे आए हुए हैं, ये दोनों ताई नाई ठाकुर, इन दोनों को ले जाओ और ले जा करके सबसे पहले इन्हीं दोनों को भोजन करवाओ। महाराज, इन्हें ले जाए कि लेटरिन में बंद कर दे, ये बड़े भूखे हैं। अरे इन्हें भूख लगी है, भोजन करवाओ। भोजन अबे पहले दरवाजो होएगो, जय माला पड़ेगी ताकि बात दावत होएगी। अरे नहीं, इन्हें पहले ही भोजन करवाओ, ये बच्चे, इन्हें भूख लगी है। बच्चे हैं तो पहले लस्सी पी लें, उसके बाद देखी जाएगी। बताओ इन्हें खवाए दें, हमारे के लिए सब बराबर है। ले पहले लस्सी पियो, क्या गोबर खाओगे? लस्सी खा लो, लस्सी पी ले। नाई ठाकुर के साथ में शुक्र और शनिचर को भेज दियो। नाई ठाकुर मैनावत मैया के पास में पहुंच गए। मैनावत मैया, ये दोनों बालक बारात में आए हैं, इन दोनों को भोजन करवाओ। अब तो मैनावत मैया ने दोनों को बैठा लियो है, शुक्र और शनिचर को। डबुआ और पर्तल परोस की मैया पूरी सब्जी और भी पकवान लेने के लिए गई। तब तक शुक्र शनिचर ने यू जानी कि जे डबुआ पत्तल खाए जाएंगे। डबुआ पत्तल घड़ी किए और अट्ट गट्ट सट पेट में डबुआ पत्तल खाए गए। अब मैया लौट के आई, जवाब दियो बेटा वो डबुआ पत्तल खाए? जवाब दियो मैया बेटो हमने खाए लिए। अच्छा खाए ले? मैया ने क्रोध में आए कि अब पूड़ी की छबरिया लाई, से पूड़ी वहीं पलट गई ऐसी धरती पे। अब शुक्र शनिचर खान लगे पूड़ी। अब मैया पूड़ी लाए तो सब्जी ना आए, सब्जी लाए तो पूड़ी ना आए। लाए लाए के सब पकवान वहीं पर डाल दी गई। धीरे धीरे शुक्र और शनिचर ने जो भी पकवान बने थे सब खाए गए, केवल दो ही लोग रसोई को खाली कर दिया। श्रोताओं, कुछ भी नहीं बचा बारात के लिए। अंत में मैया कहने लगी है, बेटा और कछु लेओगे? अब लड्डू लेओगे या बर्फी? क्यों लाला? अब ना है, अब तो पूरे भगोनों के भगोना लिया। अबे का भाव है? अबे तो एक लेंगे, यहाँ तो भरी पाई है। अच्छा, का लेओगे? अब जो कछु हो सो, अच्छा सो नहीं। मैया बोली,